नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस YouTube चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, सबसे बड़ी मल्टी स्टारर मूवी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है दोस्तों कि ये मूवी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी ऊपर ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप जान चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं रामा रावणा राज्यम मूवी के बारे में, जिसका टाइटल है RRR यानी कि ट्रिपल आर। और दोस्तों, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली सर। और 300 करोड़ के बिग बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी, जिसमें लीड रोल में रामचरण और साथ ही साथ NTR जूनियर भी शामिल है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी इस फिल्म का हिस्सा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि SS राजामौली के पिता यानी विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बाहुबली, बाहुबली 2, मरसल और बजरंगी भाईजान जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों की स्टोरी लिखी है, और दोस्तों वो एक बार फिर से मैदान में उतर गए हैं RRR मूवी को लेकर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इस शानदार मूवी के ट्रेलर और साथ ही साथ शूटिंग को लेकर बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में इस मूवी के लॉन्च शो में आपने प्रभास, रामचरण, राणा दग्गुबाट्टी, NTR जूनियर और साथ ही साथ साउथ इंडिया के बहुत से बड़े बड़े स्टार्स को देखा होगा। और दोस्तों, इस मूवी का पहला शूट हैदराबाद में शूट किया गया, जो कि 19 नवंबर को शूट किया गया। और दोस्तों, बता दे कि एक एक्शन सीन था और इसको एक एल्यूमिनियम की फैक्ट्री में शूट किया गया था, जो कि दोस्तों हैदराबाद में मौजूद है। और दोस्तों, RRR मूवी को लेकर पब्लिक में यानी ऑडियंस में बहुत ज्यादा क्रेज और साथ ही साथ एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि दोस्तों बाहुबली 2 के बाद ये वो बड़ी मूवी हो सकती है जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों कि वो बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर देगी। क्योंकि दोस्तों, इस मूवी की सारी टीम वही है जो कि बाहुबली के सीरीज में देखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी और साथ ही साथ VFX और एक्शन टीम भी वही है जो कि बाहुबली के सीरीज में देखी गई थी। और दोस्तों, बात करें बजट की तो दोस्तों इस मूवी को 300 करोड़ के बिग बजट पर बनाया जा रहा है, जबकि बाहुबली 2 को 250 करोड़ के बजट पर बनाया गया था। तो दोस्तों, फिलहाल तो इसकी जो रिलीज को लेकर अनाउंसमेंट की गई है वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज करने की गई है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि SS राजामौली सर की सभी मूवीज हिंदी में जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों हिंदी दर्शक यानी बॉलीवुड के लवर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं SS राजामौली सर को और साथ ही साथ उनके डायरेक्ट की गई मूवीज को, क्योंकि दोस्तों वो सबसे यूनिक होती है, उनका कॉन्सेप्ट बेहतरीन होता है। और दोस्तों, बात की जाए इस मूवी के प्रोड्यूसर की यानी विजेंद्र प्रसाद, जो कि SS राजामौली के पिता है, दोस्तों वो बॉलीवुड के सबसे माने जाने वाले प्रोड्यूसर राइटर है। तो दोस्तों, इस मूवी की शूटिंग जहां जोरों शोरों से जारी कर दी गई है, और साथ ही साथ बता दे कि इसको 2019 के मिड में रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा है, जबकि इस मूवी का ट्रेलर हमें रामचरण के बर्थडे यानी 27 मार्च 2019 को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है इस मूवी का, और साथ ही साथ क्या ये मूवी बाहुबली 2 के रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन को बीट करके बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होगी या नहीं, हमें आपके व्यूज नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।